وعلى رسوله النبي أمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین قابل سر احترام معزز و محترم دوستان ذی وقار حضرت علامہ مولانا نصیر الدین نقشبندی دامت برکاتہ العالمین معزز و مکرم علماء کرام نعت خانہ میں شیر لسان اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم آج کے اس سالانہ عرس مبارک کی عظیم و شان پر نور محفل میں جمع ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین محترم حضرت علامہ حنیف نقشبندی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے گھر کی خدمت میں گزاری اور یقیناً انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے جو رونق اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ان کو بلندی درجات کی نعمت سے نوازے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے میں اولاً صد بار مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بھائی علامہ نصیر الدین نقشبندی صاحب کو جو مسلسل رابطے میں بھی رہے اور جنہوں نے یہ خوبصورت پروگرام سجایا ہے اور ان کی محبتوں کو دیکھ کر اور آپ کے استقبالیہ نعروں کو سن کر میں نے گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے عقل اور عشق سبحان اللہ وہ کیا ہے جی عقل اور عشق عقل اور عشق کیونکہ کسی کا انتظار عشق کی وجہ سے ہی ہوتا ہے عقل والے نہیں کرتے تو اب بات کا آغاز کر رہا ہوں دوستان محترم آپ بیٹھے ہیں مسجد سجی ہوئی ہے محفل جاری ہے کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ کل رات کو محفل میں کیا کرنے گئے تھے تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم محفل میلاد مصطفیٰ میں گئے تھے آج آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اگر کوئی پوچھے کہ رات کو مسجد میں کیا کرنے گئے تھے تو جواب کیا دینا ہے یہ نہیں کہنا کہ محفل میں گئے تھے
अगर कोई पूछे कि क्या करने गए थे तो कहना जो काम खुदा करता है हम भी वही काम करने गए। वो सवाल करेंगे कि भाई खुदा क्या करता है, खुदा क्या करता है। आपने कुरान पढ़ना है, कुरान पढ़। कुरान कहता है इन्नल्लाहा वमलाइकतहु युसल्लूना अला नबी। खुदा भी जिक्र मुस्तफा करता है, हम भी जिक्र मुस्तफा करने गए। ये मामला सारा ही इश्क का है, ये बात सारी मोहब्बत की है। आकत तो आप तवज्जो रखनी है, जब आका ताजदार कायनात की जात की बात आती है तो ये याद रख लें इस्तकामत काम ही इश्क वालों का है। मेरे आका को देखने वाले बहुत से लोग थे, कुछ लोग मोहब्बत की नजर से देखते थे, कुछ लोग अकल से देखते थे। अकल वालों ने देखा, लामा साहब तवज्जो कीजिएगा, अकल वालों ने देखा तो उन्हें नजर आया कि आका को पसीना आता है जैसा हमें आता है। तवज्जो कीजिए, अकल वालों ने देखा तो कहा पसीना आता है, अब देखूंगा किसको समझ आती है। अकल वालों की निगाह पड़ी कि पसीना आता है, इश्क वालों ने देखा तो कहा कि पसीना तो आता है पर इसी पसीने से खुशबू आती है। अकल वालों ने देखा तो कहा पसीना आता है, इश्क वालों ने देखा तो कहा खुशबू आती है। अकल वालों ने कहा कि मुस्तफा के हाथ हम जैसे हैं। तवज्जो कीजिए, अकल वालों ने देखा तो कहा हाथ हम जैसे हैं। इश्क वालों ने देखा, अरे हाथ तो हम जैसे हैं, उठ जाएं तो चांद का सीना भी चीर देते हैं। अकल वालों ने देखा कि मुस्तफा के कदम हम जैसे हैं। बिजली आए ना आए आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। अगर तो बात समझनी है और चस लेनी है तो आप छोड़ें, बिजली आती जाती रहे। अल्लाह ताला ने ईमान की ताकत दी है, दो घंटे भी खिताब करूं तो गला थकेगा नहीं। आपने तवज्जो, आपकी तवज्जो बस मेरी तरफ रहे, यकसुई मेरी तरफ रहे ताकि हम अपनी मंजिल पर जल्दी से पहुंच जाएं। तवज्जो, अकल वालों ने देखा कि आका को पसीना आता है, इश्क वालों ने देखा कि उसी पसीने से खुशबू आती है। अकल वालों ने देखा कि मुस्तफा के हाथ हम जैसे हैं, इश्क वालों ने देखा कहा हाथ तो हम जैसे हैं, उठ जाएं तो चांद का सीना चीर देते हैं। अकल वालों ने देखा कि कदम हम जैसे हैं, इश्क वालों ने देखा कि कदम तो हम जैसे हैं पर जिस गली से गुजर जाएं खुशबू से मुअत्तर हो जाती है। अकल वालों ने देखा कदम हम जैसे। अब मैं एक जुमला कहने लगा हूं, चूंकि मौजू अकल और इश्क है तो आपकी तवज्जो और देखूंगा कि किस किस का हाथ कौन कौन समझता है। अकल वालों ने देखा तो कहा कि आका हजरत हलीमा सादिया की बकरियों के पीछे चला करते थे। बोलकर अपनी मोहब्बतों में सबूत देना। अकल वालों ने देखा कि आका हजरत हलीमा की बकरियों के पीछे पीछे चला करते थे। अब मुझे नहीं पता कि ये खाने वाले लोगों का मिजाज कैसा है, मैं तो इसी जौक का बंदा हूं। अकल वालों ने देखा कि आका हजरत हलीमा की बकरियों के पीछे चला करते थे। इश्क वालों ने कहा अरे लोगों तुम्हें बकरियों के पीछे पीछे चलना तो नजर आया, शबे मेराज जिब्रील के आगे आगे नहीं देखा। तुम्हें आका बकरियों के पीछे पीछे तो नजर आए, अरे शबे मेराज जिब्रील के आगे आगे नहीं देखा। तो पता चला कि अकल कुछ और देखती है,
इश्क कुछ और देखता है। अब इस बात को थोड़ा सा और समझें, बड़ी मोहब्बत वाले लोग हैं। अल्लाह ताला ने अंबिया को अता किए मोजज़े, और मोजज़ा वो होता है, आज डेफिनेशन तारीफ सुन ले मोजज़ा क्या होता है, तवज्जो। मोजज़ा कहते हैं नबी की ज़ात से ऐसा फेल सादिर हो जाए कि अकले इंसानी उसे समझ ना सके, वो मोजज़ा होता है। तवज्जो है जी, पीछे वालों की भी है। नबी का ऐसा फेल जो अकल में ना आए उसे क्या कहते हैं, बोलें उसे क्या कहते हैं। आज लोग मेरे आका की जात को अकल के पैमानों पर तोलते हैं, कहते हैं जी मिलाद कहाँ लिखा है, नूरानियत कहाँ लिखी है, ये अजमत की बात कहाँ लिखी है, ये कहाँ लिखी है, ये कहाँ लिखी है, अकल में नहीं आता, समझ में नहीं आता, अकल में नहीं आता, कोई अजमत की बात कर दो कहते हैं अकल में नहीं आता। तवज्जो कीजिए, मोजज़ा वो होता है जो अकल में ना आए, मोजज़ा वो होता है जो अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मोजज़ा अता किया, कोई भी मछली के पेट से जिंदा वापस नहीं आता। यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन मछली के पेट में रहकर बाहर जिंदा निकले, अकल नहीं मानती पर मानना पड़ेगा नबी का मोजज़ा। कोई भी किसी भी आंखों का नूर कमीज लगने से पलटा नहीं करता, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज से याकूब अलैहिस्सलाम का नूर पलटा, अकल नहीं मानती पर मानना पड़ेगा नबी का मौजदा। कभी भी मुर्दे जिंदा होते नहीं देखे, ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा जिंदे किए, अकल नहीं मानती पर मानना पड़ेगा नबी का। मैं अगली बात जो करने लगा हूं कोई मोहब्बत वाला ही समझेगा, अकल नहीं मानती पर मानना पड़ेगा नबी का मौजज़ा है। जैसे अल्लाह ताला ने आका को कुरान की कुरान का मौजज़ा दिया, कुरान आया, अरब के बड़े बड़े फसीहो बलीग शोरा कहने लगे वल्लाही मा हाजा कलाम अल बशर, खुदा की कसम ये किसी बशर का कलाम लगता ही नहीं, हाथ उठाने हैं तो सबने उठा के दा देनी, ये किसी बशर का एक जुमला के, ये किसी बशर का कलाम नहीं लगता। लामा साहब जुमला सुनिए, अरे जब लोग कुरान को समझ नहीं सके तो कुरान वाले मोहम्मद को क्या समझेंगे, जब जमाना कुरान को समझ ना सका, अकल से कुरान समझा नहीं जा सकता तो कुरान वाले मुस्तफा कैसे समझ में आए। अच्छा कोई कह सकता है लामा साहब ये आपने जो अकल और इश्क का कॉम्बिनेशन बना लिया है, क्या अकल और इश्क को लड़ा रहे हो। लामा साहब मज़ा तो तब है कि ये तसव्वुर कुरान से पेश करो। मैंने कहा मेरा ताल्लुक उस हस्ती से है जिसने दुनिया में अपने इल्म का लोहा मनवाया है। आला मैं कुरान से तसव्वुर पेश करता हूँ कि अकल से आका की ज़ात को समझा जा ही नहीं सकता। उठाओ कुरान 30वां पारा सूरह कदर, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कदर। ये आज की मेरी सारी गुफ्तगू का ये नुक्ता तोहफा दे रहा हूं। आप कहेंगे लामा साहब क्या रबीउल अव्वल में लैलतुल कदर की आयत पढ़ दी है, क्या समझाना चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कदर, अल्लाह ताला फरमाते हमने कुरान को कदर की रात में नाजिल किया। तवज्जो कीजिए, मैं एक जुमला कहता हूं जौक वालों की नजर, अल्लाह ने कदर वाली किताब को कहा है वाजिबा, क्या बात है, क्या बात है, कदर वाली किताब को कदर वाली रात में नाजिल करके कदर वालों को उसकी कदर करने का हुक्म दिया। अब मैं ये सोच रहा था कि आगे अल्लाह ताला इसकी फजीलत बयान फरमाएगा, लेकिन मैं कुरान पढ़कर हैरान रह गया। अल्लाह ने आगे फरमाया वमा अदराका मा लैलतुल कदर, खुदा की जात फरमाती है लोगों तुम क्या समझो कदर वाली रात क्या है, तुम क्या जानो कदर वाली रात क्या है। निहायत तवज्जो चाहूंगा, तुम क्या समझो। मैं सोचने लगा मेरे मौला
अगर कुरान को हम समझ नहीं सकते तो फिर कुरान आया किस लिए है? अगर कुरान समझ नहीं सकते, कुरान तो आया हिदायत के लिए, हमें समझाने के लिए। अगर समझ नहीं सकते, ये वमादरा का ये आयत का मिजाज क्या है? अच्छा मौला मैं क्यों समझ नहीं सकता? फरमाया बंदे कदर की रात की हकीकत इसलिए नहीं समझ सकते कि इस रात में कुरान आया है। आप बात को समझे नहीं है, मैं फिर जुमला बोलता हूं कि शायद आप समझ। फरमाया तुम कदर वाली रात को इसलिए नहीं समझ सकते कि इसमें कुरान आया है। नहीं नहीं, आपको समझ नहीं आएगी तब तक मैं आगे नहीं चलूंगा। अल्लाह फरमाता है तुम कदर वाली रात को इसलिए नहीं समझ सकते कि इसमें कुरान आया है, इसमें कुरान आया है, इसमें कुरान आया है। लोगों तवज्जो कीजिए आशिको, अरे बंदा अगर उस रात को समझ नहीं सकता जिस रात में कुरान आया, जिस रात में कुरान आया, जिस रात में कुरान आया, अरे उस जात को कैसे समझोगे जिस जात के ऊपर कुरान आया। अरे अगर वो रात जानने के काबिल नहीं जिस रात में कुरान आया, तो कभी सोच उस जात का मकाम क्या होगा जिस जात के ऊपर कुरान आया। नासिर अपनी कोई विरासत नहीं देंदा। क्या बात है। देखें मौजू तो मैंने इश्क वाला शुरू कर लिया है, पर आपका जौक भी इश्क वाला हो। नासिर अपनी कोई विरासत नहीं देंदा, नकमियां कोई खिलाफत नहीं देंदा। मैं सोहने नबी नू अपने जया कीवे आखा, मेरा दीन मेनू इजाजत नहीं देंदा। तो बात हो रही थी मौजजे की। किसकी? तो मौजजे की डेफिनेशन जो अकल में नहीं। अभी जो नुक्ता समझाना है वो तो अब है, जौक का इम्तिहान तो अगली इस बात पर होना है। मौजजा वो है जो अकल में, एक दफा सभी बोले मौजजा वो है जो अकल में। अब तवज्जो कीजिए, आदम अलैहिस्सलाम की बारी ही खुदा ने मौजजा अता फरमाया। एक एक जुमले में बोलना पड़ेगा। आदम अलैहिस्सलाम की बारी ही अल्लाह ने मौजजा अता फरमाए। मूसा अलैहिस्सलाम की बारी ही अल्लाह ने मौजजा अता फरमाए। आवाज बुलंद कीजिए मेरे साथ, ईसा अलैहिस्सलाम की बारी ही अल्लाह ने मौजजा अता फरमाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारी आई अल्लाह ने मौजजात अता फरमाए। याकूब अलैहिस्सलाम की बारी आई अल्लाह ने मौजजात अता फरमाए। नबूवत चलती चलती, नबूवत चलती चलती दरे मुस्तफा पर पहुंची। अल्लाह ने फरमाया महबूब साबका अंबिया को मौजजात अता फरमाए हैं, तेरी जात को ही सरापा मौजजा बना दिया। तवज्जो कीजिए, मौजजा वो होता है जो अकल में ना आए। हजूर मौजजे की डेफिनेशन क्या है जो अकल में? अरे पागल, मौजजा वो होता है जो अकल में नहीं आता, तो जो जात ही सरापा मौजजा है वो अकल में कैसे आए? तो आप सवाल करें लामा साहब, बल्कि इस नुक्ते से पहले एक छोटी सी बात, चूंकि मिलाद है, ये जिमनन मेरे नुक्ता याद में आ गया। अल्लाह ताला ने अंबिया को मौजज़े अता फरमाए, जब तक तो नबी ज़ाहरी ज़िंदगी में होता, ज़ाहरी विसाल से पहले कौम जब नबी के मौजज़ात को देखती, नबी को नबी खुदा को खुदा मानती। जो ही नबी विसाल फरमाया जाता, वही कौम उस नबी को या खुदा का बेटा बना देती या खुदा बना देती। बड़ी अहम बात समझाने लगा हूँ मैं आपको। जब तक तो नबी उनके अंदर मौजूद होता, कौम नबी को नबी मानती, खुदा को खुदा मानती। अब नबी के बाद नबी आता, जब एक कौम शिर्क में मुबतला हो जाती, खुदा का शरीक बना, नबी आता कौम को समझाता कि खुदा वहदहू ला शरीक है, वो इलाह है, तो फिर कौम का अकीदा सही होता, फिर कौम नबी को नबी खुदा को खुदा मानती। कौम ने ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दे जिंदा करते देखा, मादरजाद कोड़ों को शिफा होते देखी,
जब कौम ने नबी के मोजज़ात को देखा, नबी को नबी माना, खुदा को खुदा माना, ईसा अलैहिस्सलाम विसाल फरमा गए, इसी कौम ने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बना दिया। अब तवज्जो कीजिएगा, ये होता रहा। अब सवाल ये है कि जब पहले कौम शिर्क में मुब्तला होती, इस्लाह के लिए, अकीदे की दुरुस्तगी के लिए नबी आता कि खुदा एक है। अब सवाल ये है, अब तो नबी आना कोई नहीं, तो कुछ लोग कहते हैं उम्मत मुशरिक हो गई है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग शिर्क करते हैं। तो सवाल ये है कि खुदा ने क्या इंतज़ाम किया कि उम्मत मुस्तफ़ा में शिर्क ना आए, खुदा ने क्या अहतमाम किया। तवज्जो, जो पैदा ना हो वो होता है खुदा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, आपकी समाज पे कुर्बान जाऊंगा। जो पैदा ना हो वो होता है खुदा, अरे जिसका मिलाद हो वो होता है मोहम्मद मुस्तफा। अल्लाह ताला ने कहा है, प्यारे अब खत्मे नबूवत है, तेरे बाद नबी कोई नहीं आना, हम शिरक को जड़ ही से उखाड़ देंगे, तेरी उम्मत को मिलाद का तोहफा अता फरमाएंगे। तेरे उम्मती, तेरे आशिक, तेरे गुलाम हर साल रबीउल अव्वल में तेरे मिलाद का जिक्र करेंगे कि आका पैदा हुए थे, आका पैदा हुए थे। लोगों को समझ आएगी, जो पैदा हो वो खुदा नहीं होता, जो पैदा हो वो खुदा नहीं होता, खुदा का बंदा होता है। फरमाया मुस्तफा मिलाद तेरा होता रहेगा, तौहीद मेरी होती रहे। तो हम मिलाद मनाकर और शिर्क नहीं कर दे, चलो तौहीद को बुलंद कर रहे। मिलाद तो ज्यादा उसे मनाना चाहिए जो तौहीद का प्रचार करता है, तौहीद की बात करता है। मिलाद तो उसे मनाना चाहिए कि मिलाद ही तो वो दलील है जो जमाने में ऐलान करती है कि मुस्तफा खुदा नहीं है। तो याद रख लो, शाने मिलाद अकल से समझ में नहीं आती, शाने मिलाद अकल से समझ में नहीं आती। तो आप सवाल करेंगे कि लामा साहब किससे समझ में आती है? अरे उसूल याद रख लो, जो चीज अकल में नहीं आती वो इश्क में आती है। हाय 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 हाय, क्या सुन रहे हैं यार आप? ये पीछे वाले थोड़ी सी मोहब्बत करें ना जरा। जब बात इश्क में आती है तो पहले आइए अकल से पूछ लेते हैं, अकल मेरे नबी का मकाम बता। अकल मेरे नबी, अकल कहती है देखो, तवज्जो कीजिए, अकल ने कहा देखो, एक होता है आम बंदा, एक होता है बंदा मोमिन। क्या आम बंदा और बंदा मोमिन बराबर हैं? नहीं। बोलो नहीं। आवाज आए ना, नहीं। आम बंदा और बंदा मोमिन बराबर हैं? नहीं। बंदा मोमिन और वली बराबर हैं? नहीं। वली और कुतुब बराबर हैं? आवाज तो बोलो, नहीं। वली और कुतुब बराबर हैं? कुतुब और अब्दाल बराबर हैं? अब्दाल और गौस बराबर हैं? गौस और गौस आजम बराबर हैं? अरे बंदा बंदे का बराबर नहीं, कोई नबी के बराबर कैसे हो सकता है? अरे बंदा अभी तो आपने क्या दर्जों की दुनिया पड़ी है, अभी तो गौसियत माप तक पहुंचे, आ तुझे आज सफर करवाऊं और हुसैन के नाना का मकाम दिखाऊं। अकल ने कहा चल सफर करते हैं, अभी तो मकामे गौसियत माप आया है, 1,25,000 दर्जे और पड़े हैं, ऊपर चल, कहीं हजरत बिलाल हबशी का दर्जा, कहीं सुलेमान फारसी का दर्जा, कहीं सुहेब रूमी का दर्जा, अभी भी मकामे मुस्तफा नहीं आया, अभी भी हुसैन के नाना का मकाम नहीं आया, और ऊपर चल, कहीं मौला अली का दर्जा, कहीं हजरत उस्मान गनी का दर्जा, कहीं हजरत उमर फारूक का दर्जा, कहीं सैयदना अबू बकर सिद्दीक का दर्जा, अभी भी मकाम मुस्तफा नहीं आया। बोलो ने सही, अभी भी मकाम मुस्तफा नहीं आया, और ऊपर चल, अगर सफल करवाना चाहती है, कहीं हजरत ईसा अलैहि सलाम, कहीं हजरत मूसा अलैहि सलाम, कहीं हजरत याकूब अलैहि सलाम, कहीं हजरत यूसुफ अलैहि सलाम, कहीं हजरत शईब अलैहि सलाम, कहीं आदम अलैहि सलाम,
अभी भी मकाम मुस्तफा नहीं आया, अभी भी जहरा के बाबा का मकाम नहीं आया, अब किसी के हाथ नीचे ना हो। मैंने कहा अकल मकाम मुस्तफा बता तो सही। अकल ने कहा मैं तो सफर करवा सकती हूँ, मकाम नहीं बता सकती। मैंने कहा फिर तू पीछे रह, इश्क तू बता मेरे नबी का मकाम क्या है, अब हाथ नीचे ना हो। इश्क ने कहा अगर मकाम मुस्तफा जानना है तो नीचे से ना गिना कर, गिनता गिनता थक जाएगा मर जाएगा। अगर मकाम मुस्तफा जानना है निगाहों को ऊपर उठा, बादल खुदा बुजुर्ग नहीं किस्सा मुख्तसर, खुदा के पास कोई मकाम है वो मकाम मोहम्मद मुस्तफा है। खुदा के बाद कोई मकाम है तो वो मकाम मोहम्मद मुस्तफा है। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ फलक खूबसूरत सजाया ना हुंदा, किसे शहदाग ये थे साया ना हुंदा, ना वो अर्श कुर्सी ना वो चंद तारे, शबो रोज एना हुंदे नजारे, न जिनो बशर न कोई परिंदा, हयाती ममाती न मोया न जिंदा, न हूरा न किसे न आदम न हवा, न याकूब यूनस न यूसुफ जुलेखा, न तख्ता न ताजा न सुल्तान हुंदे, न मिलती किसे नू कदे जिंदगानी, हवाए न हुंदी न हुंदा न पानी, न मीलाद हुंदे न एना खानी सना खाना हुंदे, ना ए खुश बयानी ना अर्शो फरश ना खाकी ना नूरी, जमाने ते कुछ भी ना हुंदा जहूरी, किसे शहदा ये थे साया ना हुंदा, जे रब ने मुहम्मद बनाया ना हुंदा। अब कुछ मुझे लग रहा है कि इश्क वाले बैठे हैं, तो फिर आइए जरा एक जुमला कह देता हूँ। अरे मेरे नबी की जात की बराबरी करने वालों, मेरे आका की जात को अकल के पैमानों पर तोलने वालों, तो मेरे आका की मिसलियत की बात करते हो, बशरियत और मिसलियत का ढंडोरा पीटते हो। सुनो बशर बराबर होना तो दूर की बात, रब्बे काबा की इज्जत की कसम नबियों में भी कोई मुस्तफा के बराबर नहीं, नबियों में भी कोई मुस्तफा के बराबर नहीं। कोई बराबर नहीं। आइए जरा थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ। ये हजरत नौजवान चेहरे नजर आ रहे हैं, मैंने कहा इसलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा हो जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, एक जुमला मेरे जहन में आ गया सरजमीन चकवाल पर, 12 रबीउल अव्वल को ये मैंने जुमला बोला और अभी तक उनका ज़ौक इन निगाहों ने भुलाया नहीं है। अब ऐसा ना हो कि मेरी तबीयत ज़ख्मी हो जाए। ये जुमला आपने पहली दफ़ा सुना होगा, हुस्न यूसुफ वो है। यार मैं इश्क वाला बंदा हूँ, मैं तकरीर भूल जाता हूँ बंदे सो जाएं तो। आप जोक से बोलते रहे रब्बे काबा की इज्जत की कसम फजर तक आपको सरकार का तज़किरा सुनाऊंगा। लेकिन जोक वाला, जोक वाले जुमले मेरे जोर को ना देखें, आप जुमलों का वजन देखें। हुस्ने यूसुफ वो है जिस पर जुलेखा ने सब कुछ लुटाया, हुस्ने यूसुफ वो है जिस पर जुलेखा ने सब कुछ लुटाया, हुस्ने मोहम्मद वो है जिस पर खुदा ने सब कुछ लुटाया। हुस्ने यूसुफ वो है, अल्लाह आपके ज़ौक को सलामत रखे। हुस्ने यूसुफ वो है जिस पर जुलेखा ने सब कुछ लुटाया है, हुस्ने मुस्तफ़ा वो है जिस पे खुदा ने सब कुछ कुर्बान किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम, सुनिए जरा एक बड़ा ज़ौक वाली बात। एक दफ़ा मिस्र के अंदर कहत पड़ गया, छोटे बच्चों खामोश चुप आगे होके बैठो, टेक छोड़ो आगे होके बैठो, मिल लेते हैं आप आगे हो जाओ, अब बातें नहीं करनी। एक दफा ऐसा हुआ कि मिस्र में कहत आ गया, तवज्जो है जी,
मखलूक भूख से मरने लगी, प्यास की तड़प पैदा हुई, पेट में है कुछ नहीं, कौम आती है अल्लाह के नबी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, खुदा इस कहत को दूर करे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला मखलूक तेरी तड़प रही है, बारिश अता फरमा, कहत को ख़त्म कर दे। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने फरमाया, ए यूसुफ कहत ख़त्म करने की बात करते हो। इधर आगे ले आओ ना, नहीं डांटे ना जी अल्लाह, इन्होंने तो कल आगे आ जाओ ना, इधर आ जा मेरे भाई। मुझे बड़ी खुशी होती है जब बच्चे मसाजिद में आते हैं जुमे के लिए, नमाज के लिए लाया करें, अपने बच्चों को औलाद को लाया करें तरबियत के लिए, लेकिन मस्जिद के आदाब का भी ख्याल रखा करें, अपने साथ बिठाया करें, साथ बिठाया करें। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला मखलूक तेरी भूख से मर रही है, कहत को ख़त्म फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, यूसुफ ये हुसन तुझे किस लिए दिया, यूसुफ तुझे ये हुसन किस लिए मौला ये हुसन। फरमाया, जा बाजार मिस्र में चला जा, अपने हुसन से पर्दा उठा दे, जो जो देखेगा 3 महीने तक भूख ही नहीं लगेगी, जो जो देखेगा 3 माह तक भूख नहीं लगेगी। तवज्जो, आका से सवाल हुआ, या रसूल अल्लाह सुना है मिस्र के अंदर लोगों ने हुस्ने यूसुफ देखा था, 3 माह तक भूख नहीं लगी थी। मेरे आका ने फरमाया, खुदा की इज्जत की कसम, उन्होंने तो हुस्ने यूसुफ देखा था, 3 माह तक भूख नहीं लगी थी। कोई हुस्ने मोहम्मद देख लेता कयामत तक, कोई मेरा जलवा कर लेता तो कयामत तक भूख ही ना लगती। अरे हुस्ने यूसुफ वो है जिसको तक कर औरतों ने हाथ काट दिए थे, औरतों ने हाथ काट लिए थे, वो देख कर हाथ काटे थे, और आका के नाम पर लोग गर्दनें कटा देते। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम खुदा का नबी होकर आका के बराबर नहीं चलिया, तेरे तो पल्ले ही कुछ नहीं, तेरे तो दामन में ही कुछ नहीं, मेरे नबी की बराबरी और उम्मत को क्या अकीदा दे रहे हो। और तवज्जो कीजिएगा जरा, जौक को फिर उठाना चाहता हूँ। एक शायर ने तखय्युल खींचा, उसने कहा, आका ताजदार कायनात का जब बचपन था तो कोई वक़्त की जुलेखा का गुजर हुआ वहाँ से, कोई वक़्त की जुलेखा। शायर ने तखय्युल खींचा, उसने कहा, वो वक़्त की जुलेखा जब आका के करीब गई बचपन के आलम में देखा, अब इस जुलेखा ने आका के बचपन को देखा और बचपन को देख कर हुस्ने यूसुफ को जहन में लाया। अब एक तरफ वो हुस्ने यूसुफ को सोचती, एक तरफ आका के बचपन को देखती, एक तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जवानी और शबाब को तकती तखय्युल में, एक तरफ आका का बचपन देखती। शायर ने कहा कि बारगाहे हुस्न में मंजर अजब खुले, गुलामाने पंज तन की बका के सबब खुले, ये कहकर जुलेखा के लब खुले। तवज्जो मेरी जानिब, बारगाहे हुसन में मंजर अजब खुले, एक तरफ हुस्ने यूसुफ जहन में आ रहा है, दूसरी तरफ निगाहों के सामने मेरे आका का बचपन है। तो वो पुकार उठा के बारगाहे हुसन में मंजर अजब खुले, ये कहकर जुलेखा के लब खुले के यूसुफ का हुस्न तो मेरी नजर का मकीन है, उसके शबाब से तो मोहम्मद का बचपन हसीन है, उनके शबाब से तो मोहम्मद का बचपन हसीन है। दोस्ताने मोहतरम, कोई नबी भी मेरे आका के बराबर नहीं है, खुदा की इज्जत की कसम, कैसे बराबरी हो। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, कोहे तूर पर चले जाते हैं, अर्ज करते हैं, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, मौला अपना आप दिखा, मौला अपना आप दिखा। रब्बे कायनात फरमाते हैं, लन तरानी, ए मूसा तेरे पास वो आंख नहीं है, तेरे पास वो आंख नहीं है। मौला मैं तेरा कलीम हूँ,
मैं कलीम होकर नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा? फरमाया मूसा तू कलीम है, जो देखेगा वो हबीब हो, जो देखेगा वो हबीब होगा। मौला कलीम और हबीब में क्या फर्क है? अब जौक का इम्तिहान लेना चाहता हूं, कलीम और हबीब में क्या फर्क है? फरमाया कलीम वो है जो खुद चलकर घर से आता है और दीदार की तमन्ना करता है, हबीब वो है जो सोया होता है कि मांगे दिखा दे, हाय हाय बिन मांगे दे देता हूं। तो एक शायर ने कहा, कुर्बे मूसा और है, कुर्बे मूसा और है, कुर्बे मोहम्मद और है। तवज्जो कीजिएगा अगले मिसरे पर, कुर्बे मूसा और है, कुर्बे मोहम्मद और है, तूरे सीना और है, अरशे मौला और है। तवज्जो कीजिएगा, कुर्बे मूसा और है, कुर्बे मोहम्मद और है। भाई नसीर आपकी खास तवज्जो, ये जुमला आपकी नजर कर रहा हूं, कुर्बे मूसा और है, कुर्बे मोहम्मद और है, तूरे सीना और है, अर्शे मुअल्ला और है, मेराज और तूर के किस्से से होता है अजा। इस जुमले के ऊपर मैं चाहूं तो आप सबको खड़ा कर लूं, लेकिन नहीं, सिर्फ आपकी तवज्जो चाहता हूं। कुर्बे मूसा और है, कुर्बे मोहम्मद और है, तूरे सीना और है, अर्शे मुअल्ला और है, मेराज और तूर के किस्से से होता है अया, अपना जाना और है, उनका बुलाना और हैदरी सुन्नत शेखुल इस्लाम। अपना जाना और है, उनका बुलाना और है। अरे तो फिर मुझे कहने देना, जो पहले आए वो सिर्फ नबी, आका नबियों के नबी, जो पहले आए वो सिर्फ नबी, आका नबियों के नबी। बोले जरा, जो पहले आए वो सिर्फ नबी, आका नबियों के नबी। सुभान अल्लाह की आवाज आए ना, जो पहले आए वो सिर्फ नबी, आका नबियों के नबी, जो पहले आए वो सिर्फ रसूल, आका रसूलों के रसूल। ये बुजुर्ग ना मेरे सामने बिल्कुल बैठे हैं, मैंने जब से खिताब शुरू किया है इनके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जा रही। मैं यकीन करें इनके जौक को देखकर ये बात कहने लगा हूं, सरकार वल जिदा भी ध्यान हो जाता है, सरकार वल जिदा भी, ये नौजवानों के लिए कहने लगा हूं, सरकार वल जिदा भी ध्यान हो जाता है, फिर बुढ़ा जिया बंदा भी जवान हो जाता है, फिर बुढ़ा जिया बंदा भी। अब एक एक मिसरे पे बोलिएगा बड़ी बहुत। आप बैठे हैं फर्श पर, मिसरा मैंने अर्श पर लेके जाना है, तवज्जो कीजिए। जो पहले आए वो सिर्फ नबी, आका नबियों के नबी। बोले सुभान अल्लाह। जो पहले आए वो सिर्फ नबी, आका नबियों के नबी, जो पहले आए वो सिर्फ रसूल, आका रसूलों के रसूल। जो पहले आए वो सिर्फ रसूल, आका रसूलों के रसूल। जो पहले आए उनकी नबूवत के बाद नबूवत, आका की नबूवत के बाद कयामत। जो पहले आए उनके लिए सिर्फ उम्मत, आका के लिए खैरे उम्मत, आका के लिए खैरे उम्मत। तवज्जो कीजिएगा, अब मिसरे की इंतहा है, मेरे दामन में इससे बड़ा जुमले कोई नहीं। जो पहले आए वो सिर्फ नबी, आका नबियों के नबी, जो पहले आए। बल्कि मैं चाहूंगा आशिक लोग अपना हाथ बुलंद कर लें ताकि इस कैमरे के अंदर भी आपके हाथ आ जाएं। जो पहले आए वो सिर्फ नबी, आका नबियों के नबी, जो पहले आए वो सिर्फ रसूल, आका रसूलों के रसूल। जो पहले आए उनकी नबूवत के बाद नबूवत, आका की नबूवत के बाद कयामत। जो पहले आए उनके लिए उम्मत, आका के लिए खैर उम्मत। जो पहले आए उनका मेराज फरश पर, आका का मेराज अर्श पर। Allah 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 Allah
मेराज अर्श पर जो पहले आए उनके लिए सफ़ें आका के लिए मुसल्ला। ये बात ही आप लोगों के लिए थी। मुझे पता था आवाम को समझ नहीं आएगी। जो पहले आए उनके लिए सफ़ें आका के लिए मुसल्ला। तो दोस्ताने मोहतरम मुझे ये बताएं, जिस हस्ती ने अपनी निगाहों से खुदा को देख लिया, आप मैं फैसला आपसे करवाता हूँ, छोड़े मैं नहीं करता, आपसे करवाता हूँ, जिस हस्ती ने निगाहों से खुदा को देख लिया हो, कोई उसकी निगाह की बराबरी कर सकता है? तो अब फैसला आप कर लें, जब कोई निगाह के बराबर नहीं हो सकता, कोई जात के बराबर कैसे हो सकता? जब और जानते हो, मैं आपके दिलों के तार छेड़ देता हूं, चूंकि मेरा ताल्लुक जिस अदारे से है, दलील तो ऐसी देनी है कि कोई रद्द ना कर सके। आका की निगाह की बात, चले एक नज्म बना लेते हैं, निगाह अदा वफा, तीनों पर एक एक दलील दे रहा हूं। निगाह अदा वफा, ना मुस्तफा की निगाह के कोई बराबर है, ना अदा के बराबर है, ना वफा के बराबर। अब निगाह कैसी है, मेरे आका की निगाह कैसी है? आप सबके दिलों में ये तमन्ना होगी कि यार इतनी मोहब्बत में आका की बैठे हैं, क्या आका की नजर भी है हम पर? आइए शबे मेरा तवज्जो कीजिए, शबे मेराज आका बुर्राक पर सफर कर रहे हैं और आका फरमाते हैं, मैंने मूसा अलैह सलाम को कब्र में देखा, वो कब्र में खड़े होकर सलात पढ़ रहे थे। ना ना ना, अब आपकी बात, अगर अब भी आप चुप रहेंगे तो कब बोलेंगे? कब्र में सलात पर तवज्जो कीजिएगा। मेरे आका कार पर सफर नहीं कर रहे, मोटरसाइकिल पर सफर नहीं है, डेवो पर सफर नहीं हो रहा, बुर्राक पर हो रहा है। बुर्राक पर सफर है साईं, और आका फरमाते मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में देखा कि वो कब्र में सलात पढ़ रहे थे। लोग कहते हैं जी नमाज पढ़ रहे थे, सुनिए ये बात, लोग कहते हैं नमाज पढ़ रहे थे, अक्सर सुना होगा कहीं ने, तो कहते हैं मूसा आका ने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। माजरत के साथ ये माना मेरी समझ में नहीं आता, मेरी समझ में इसलिए नहीं आता कि ये माना मेरे शेख को भी समझ नहीं आता। जी कैसे आपके सवाल लामा साहब, फिर कैसे नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे थे? आप मुझे ईमान से बताइएगा, आपके जौक का इम्तिहान है, सुभान अल्लाह की सूरत में जवाब दे दीजिए, मुझे ये बताइए, मूसा अलैह सलाम कब्र में अगर नमाज पढ़ रहे थे, ये मुमकिन है कि गुजरना नबियों के सरदार ने हो और मूसा अलैह सलाम नमाज पढ़ने चले? ये मुमकिन है कि गुजरना नबियों के सरदार ने हो और ऐन उसी टाइम मूसा अलैह सलाम अल्लाहु अकबर। मेरा दूसरी दलील, सुभान अल्लाह, मेराज का आगाज हुआ है इशा के बाद, तो मूसा अलैहि सलाम इशा के बाद कौन सी नमाज पढ़ रहे? हाय हाय हाय, इशा के बाद कौन सी नमाज हो रही थी लामा साहब, हजरत साहब भाई कौन सी नमाज इशा के बाद? फिर आप लामा साहब कहेंगे फिर क्या माना? अरे सलात का माना सिर्फ नमाज नहीं होता, तो आप कहेंगे लामा साहब फिर माना बताएं, आए मैं कुरान से माना साबित करता हूं। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह वमलाइकातहु युसल्लूना, अरे सलात का माना दुरूदो सलाम भी होता है। आका ने फरमाया मैंने देखा कि मूसा अलैहि सलाम मेरे इस्तकबाल में दुरूदो सलाम पढ़ रहे थे। अब तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो, आका ने फरमाया, आका ने फरमाया कि कब्र में मैंने देखा मूसा अलैहि सलाम दुरूदो सलाम पढ़ रहे थे। एक तालिबाना नजर से इस्तदलाल करने लगा हूं, आप क्या इस्तकबाल करेंगे? तवज्जो, अरे जो नबी कब्र में मूसा अलैहि सलाम का दुरूद सुन सकता है, आप सुनने पे आ जाएं, मैं सुनाने पे आ जाता हूं। अरे जो नबी कब्र में
मूसा अलैह सलाम का दुरूद और सलाम सुन सकता है, वो उम्मत का नहीं सुन सकता। अगली बात सुने, अगली बात सुने। फरमाया मैंने देखा दुरूद और सलाम पढ़ रहे थे। अब मैंने जब हदीस पाक को पढ़ा, सोचने लगा ये हदीस पैगाम क्या दे रही है, आशिकों के लिए क्या पैगाम है। तो तवज्जो कीजिएगा, जो मैंने नुक्ता अखज किया, आका ने फरमाया मैंने देखा। समझो यार, जुमलों को समझो। फरमाया मैंने देखा, ना ना आप बोलेंगे नहीं, मैं फरमाया मैंने देखा, मैंने देखा। आए है आका क्या पैगाम देना चाहते हैं। अब किसी बच्चे का हाथ नीचे ना हो, मुझे बड़ा दुख होगा। आका ने फरमाया मैंने देखा, आका ने पैगाम दे दिया, ए मेरी उम्मत, खाने वाल के आशिको, ए उम्मत मोहम्मद मुस्तफा, ये हदीस बता रही है कि जो नबी कब्र के बाहर रहकर कब्र के अंदर देख सकता है, वो नबी कब्र के अंदर जाकर कब्र के बाहर भी देख सकता है। जो नबी टिशू टिशू वगैरह है, कोई टिशू वगैरह जो नबी वाह 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 वाह, मुझे ये बताएं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहां तो आज रात ही मुझे भूल जाओगे या सारी जिंदगी नहीं भूलोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखे ना, है तो कोई रद्द कर दे बात। आका ने देखा मूसा अलैह सलाम की कब्र के अंदर। और अब चूंकि देहात है, और देहात की तवज्जो मेरी जानिब, अब गुफ्तगू अपने उरूज की तरफ जा रही है। अभी मैंने जिस मराहिल में आपको लेके जाना है, अभी तो मैं तैयार कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, अरे अगर गौर किया हो, अभी मैंने उस आयत का तर्जुमा नहीं किया जो पढ़ी है, उस आयत का भी तर्जुमा करना बाकी है। इसका मतलब है खिताब अभी शुरू होना है, अभी तो तमहीद चल रही है। तवज्जो मेरी जानिब रहेगा। तो मैंने कहा कि आज आया हूं तो समझा जाऊं ना कि कोई मिसल ना ढोलन दी, कोई मिसल ना ढोलन दी। पीर साहब ने ऐसे नहीं कहा, पूरी बुनियाद है दलाइल की इस मिसरे के पीछे। तवज्जो मेरी जानिब। आका ने फरमाया मैंने कब्र के अंदर देखा। जो नबी कब्र में मूसा की सलात सुन सकता है, वो उम्मती का दरूद भी सुन सकता है। जो नबी कब्र के बाहर रहकर कब्र के अंदर देख सकता है, वो कब्र के अंदर जाकर कब्र के बाहर भी देख सकता है। और अब भी अगर किसी को बात समझ में नहीं आए, तो पंजाब देहाती लोग कहते हैं यार सेहत फाका नहीं हो रहा, तो देसी कैप्सूल खा। तो नाचीज देसी कैप्सूल देने लगा है। अगर किसी को ये फलसफा ना समझ आए बराबरी का, कि भाई वो कहे कि नहीं जी मैं तो बराबरी बराबरी, मैं बराबर, आका मिसलियत बराबर, हम जैसे बड़े भाई जैसे, तो मैंने अभी आपको बताया, अभी बताया हजूर ने सफर किस पर किया था, किस पर सफर किया था। बुराक निकला है बर्क से, किससे निकला है जी, बर्क से। और बर्क कहते हैं बिजली को, किसको कहते हैं। अभी आप मजा जाएगा, आपको अकीदा समझ आ जाएगा। जो कहते हैं जी बराबरी है बराबरी है, आका हम जैसे थे बराबरी है। हजूर ने सफर किया है बुराक, बुराक निकला बर्क से, बर्क कहते हैं बिजली को। तो बुराक का मतलब हुआ बिजलियां, तो इसका मतलब है सफरे मिराज हुआ है बिजलियों पर। क्या बात है, बोलो ना यार। मैंने तो अपने नबी की शान डंके की चोट पर बयान करनी है। हम तो कहते हैं कि हुर्मते रसूल पे जान भी कुर्बान है, तो जिनकी जान है उन्हीं की खातिर देनी है ना। तवज्जो मेरी जानी, तवज्जो मेरी जानी। सफरे मेराज हुआ है बुर्राक पर,
अब जो लोग ये बराबरी का ढंडोरा पीटते हैं और नौजवान नस्ल को गुमराह करते हैं कि जी हुजूर हम जैसे थे, उनके भी दो हाथ हमारे भी दो हाथ, उनकी भी दो आंखें हमारे भी दो आंखें, मुझे इतना बता दो और उनसे इतना सवाल करना जाकर कि अगर हुजूर आप हुजूर जैसे हैं और हुजूर हम जैसे थे, उसको कहना लामा साहब हुजूर ने मेरे नबी ने मेराज का सफर किया है बिजलियों के ऊपर। लामा साहब जरा नंगी तार ते बैठ के वखाओ, जरा बैठिए बिजली के ऊपर, हकीकत समझ में आ जाएगी कि कौन किसके बराबर है। इसीलिए पीर साहब ने कहा चलिया कोई मिसल ना ढोलन दी, चुप कर मेरे अली इतने जा नहीं हो बोलन दी। तो पता ये चला कि आका की निगाह के बराबर कोई नहीं है। टाइम कितना गया? आपका वो अगला खाता बस ठीक है, फिर बैठे हैं हम भी आका की निगाह की। अच्छा बोर तो नहीं हो रहे? मेरी आदत है, मैंने जिंदगी में कभी मुसल्लत होकर खिताब नहीं किया। अगर आप थक गए हैं मैं अभी वमा अलैना इल्ल बिलाग करता हूँ, और अगर अभी चाहते हैं कि जरा बात थोड़ी सी आगे जाए तो फिर हाथ उठा के सुभान अल्लाह की सदा। तो आका की निगाह के बराबर कोई नहीं है। अरे इस निगाह की एक और झलक दिखाऊं? ये निगाह कैसी है, निगाह कैसी है, तवज्जो। आका ताजदार कायनात ने हिजरत की मक्का से मदीने, और साथ आपके थे यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला। तीन दिन और तीन रातें गारे सौर के अंदर मेरे आका और हजरत अबू बकर सिद्दीक रहे। नहीं यकीन तो बुखारी उठा के देख लें। तीन दिन और तीन रातें आका रहे गारे सौर के अंदर, दो बंदे आका और ताजदारे सदाकत एक गार के अंदर। आप सवाल करें लामा दब तीन दिन तीन रातें करते क्या रहे? मैं जुमला प्यार से कहने लगा हूं, अबू बकर मुस्तफा को तकते रहे, आका अबू बकर को तकते रहे। आका तवज्जो कीजिए, आका ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा सर मुबारक अबू बकर की गोद में। वाह वाह क्या इश्क था वो। आप जिक्र सुन के इतना मचले पड़े हैं जिनके सामने निगाह मुस्तफ़ा हो, जिनकी निगाहों के सामने चेहरा होगा उनकी कैफियत क्या होती होगी। कहते हैं आमदे मुस्तफ़ा पे खुशी ना करो, अरे हम जिक्र सुन के होश में नहीं रहते, वो जिन्होंने निगाहों से देखा होगा उनका हाल क्या होगा। तीन दिन और तीन रातें मेरे आका निगाह नबूवत से फैज देते रहे हजरत अबू बकर को। तीन दिन और तीन रातें मेरे आका ने हजरत अबू बकर को अपने खास फैज में रखा। अरे मेरे आका की एक तवज्जो पड़ जाए तो कड़वा कुआं मीठा हो जाता है। हजूर की एक तवज्जो डूबे सूरज पर पड़ जाए, सूरज अपना सजदा छोड़कर अली के सजदे की खातिर पलट आता है। आका की एक तवज्जो उमर पर पड़ जाए, वो फारूक आजम बन जाते हैं। ये हजूर की एक तवज्जो है, आका एक तवज्जो पत्थरों पर डाल दें, पत्थर हजूर का कलमा पढ़ने लग जाए। अरे सोचो ये एक तवज्जो है जिसको तीन दिन और तीन रातें अपनी तवज्जो हाथ के फैज में रखा होगा, उसका मकाम क्या हुआ होगा। मकाम क्या था? बुखारी शरीफ पढ़िए, आका ताजदार कायनात जब गार से बाहर निकले लोग पहचान न सके नबी कौन है सिद्दीक कौन है। हुजूर ने इतना रंग दिया, इतना रंग दिया। अरे जिनके रंग उतरते नहीं है उस निगाह को निगाहे मुस्तफा कहा जाता है। तो ये हुजूर की निगाह है, निगाह है, ये थी निगाह। अब जरा आइए अदा, अब आइए अदा पर। ना मुझे एक वाकया याद आ रहा है, अथेंटिक मुवर्रिख अलामा इब्ने कसीर। अब ये हवाला मैंने क्यों दिया है, ये आगे जब बात करूंगा फिर समझ आ जाएगी। अलामा इब्ने कसीर अथेंटिक मुवर्रिख, उन्होंने एक वाकया लिखा। चूंकि आप देहाती हैं तो मैंने कहा एक वाकया देहात का
हजूर की अदा के ऊपर एक देहाती था, अब मोहब्बत से सुनिएगा, जोर नहीं लगाऊंगा, अल्फाज पे तवज्जो कीजिएगा। एक देहाती था, वो आका, उसने कहा यार जिंदगी तो गुजर ही जानी है, क्यों ना चेहरा मुस्तफ़ा का दीदार किया जाए। आप ले गए हैं मुझे, आप थे हमारे साथ, अच्छा अच्छा आप थे, वो ड्राइवर भाई नहीं है, अच्छा वो नहीं है, अच्छा अच्छा मुझे लगा कि शायद वो थे, अच्छा तवज्जो मेरी जानिब। उन्होंने कहा, उस बंदे ने सोचा, देहाती ने सोचा, देहाती था, कहा जी जिंदगी तो गुजर ही जानी है, क्यों ना चेहरा मुस्तफ़ा का दीदार किया जाए। अब हुआ क्या, वो दीदार के लिए आया मक्का में, जू ही उसने सरजमीन मक्का में कदम रखा, उसने कहा कि यार पहले काबे का तवाफ करता हूँ, फिर बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिरी दूंगा। अब आपके दिल मचल जाएंगे, आगे आगे वो तवाफ करने लगा, पीछे पीछे मुस्तफा तवाफ करने लगे, हजूर तवाफ करने लगे। अच्छा उसे खबर नहीं थी, जब वो तवाफ करता ना दीवाना वार मोहब्बत के अंदर अल्लाह का जिक्र करता, जब वो तवाफ करता या करीम कहता, या करीम कहता, या करीम, उसने जब पहला चक्कर लगा कहा या करीम, पीछे से आका ने भी फरमाया या करीम। उसने मुड़ के देखा कि ये कौन है जो मेरी नकलें उतार रहे हैं, देहाती था ना, देखा कौन है, क्या वजह है। उसको थोड़ा सा गुस्सा आया दिल ही दिल में ना, उसकी एक तबीयत थोड़ी सी मुतगैर हुई कि भाई ये क्यों, इन्होंने मेरी नकल क्यों उतारी। उसने फिर मोहब्बत के अंदर, देहाती था, इश्क में कामिल था, सादा था, उसने फिर तवाफ करना शुरू किया, फिर कहा या करीम। जब उसने कहा या करीम, आका ने फिर फरमाया या करीम। उसने फिर मुड़ के देखा कि भाई ये कौन है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। उसने फिर अपनी मोहब्बत में तवाफ शुरू किया, फिर कहा या करीम। सरकार ने फिर कहा या करीम। पांच मर्तबा ऐसा ही हुआ, अब छठी दफा उसे रहा नहीं गया, हाय हाय हाय, छठी दफा उसे रहा। अब जब उसने कहा या करीम, हजूर ने भी फरमाया या करीम, अब उसने एक जो जुमला कहा इंतहा कर दी, अब वो आपके मोहब्बतों की नजर और आपके दिलों की तख्तियों पर जुमला लिखना चाहता हूं। उसने उसने जब छठी मर्तबा कहा या करीम, सरकार ने फरमाया या करीम, उसने मुड़कर आका को एक जुमला कहा, उसने कहा अगर जोक हो तो पंजाबी में कहूं जुमला, छठी दफा का या करीम, आका ने फरमाया या करीम। अब उसने मुड़कर आका के करीब गया और कहा जे तू एडा सोना ना हुंदा ते तेरी शिकायत नबी नूं ला देनी सी, आए अगर तू इतना हसीन ना होता तो तेरी शिकायत अपने नबी को लगा देता। हजूर मुस्कुरा के कहने लगे अच्छा ये तो बता तेरा नबी कैसा है, ये तो बता तेरा नबी कैसा है। अब उसने उसकी बात, उसने कहा मैंने देखा तो नहीं है, इतना सुना है कि जिस गली से गुजर जाए खुदा कसमें उठा देता, मैंने देखा तो नहीं है, सुना है कि उनके चेहरे की बात हो कुरान वद्दुहा कहता है, उनके सीने की बात हो कुरान अलम नशरा कहता है, उनकी रहमत की बात हो कुरान वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहता है। मैंने देखा तो नहीं है पर इतना सुना है कुरान कभी यासीन कहता है कभी ताहा कहता है। अभी वो ये बातें ना हजूर को सुना रहा था, इतनी देर में एक सहाबी रसूल आए और आका की तरफ खड़े होकर कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वो देहाती हक्का बक्का रह गया कि मैं किससे कलाम कर रहा था, आका के कदमों में गिर गया वो कि या रसूल अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, मुझसे खता हो गई। आका इल्म नहीं था, आका जानता नहीं था, आका आपसे सख्ती से कलाम कर बैठा, आका मुझे माफ फरमा दे। आका ने फरमाया मेरे उम्मती तड़प जाइएगा जुमले पर, ए मेरे उम्मती तू ये सब कुछ इश्क में कर रहा था और मैं तेरे इश्क को पसंद कर रहा था, मोहम्मद को तेरा इश्क अच्छा लग रहा सल्लल्लाहु अलैहि, मैं तेरे इश्क को पसंद कर रहा था। इतने में जिब्रील अलैहि सलाम आ गए, आका को जब वही सुनाई ना
अब उस देहाती ने देखा कि सरकार किसी से महवे कलाम है, महवे कलाम है। उसने पूछा, या रसूलल्लाह किससे गुफ्तगू हो रही है, या रसूलल्लाह किससे कलाम, किससे कन्वर्सेशन हो रही है। फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हैं और अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं कि खुदा ने तुझे माफ़ नहीं करना, खुदा कयामत के रोज़ तेरा हिसाब लेगा कि तूने मेरे से सख्ती से कलाम किया है। अब जब उस आशिक ने यह बात सुनी कि कयामत के रोज़ मुझे हिसाब देना पड़ेगा, आशिक था, उसने कहा, या रसूल अल्लाह अगर ऐसी बात है, जिब्रील पैगाम लेकर आए हैं, एक पैगाम मेरा भी भिजवाएं। आए ना ना मोहब्बत, एक पैगाम मेरा भी भिजवाएं। फरमाया, तेरा क्या पैगाम है। काका, या रसूल अल्लाह अगर अल्लाह ने कयामत के रोज मेरा हिसाब लिया, मैं कयामत के रोज खुदा का हिसाब लूंगा। आए हाय, आशिक था। आका ने फरमाया, वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैन कदीर के ताज वाला, मेरा खुदा, ए उम्मती तू मेरे खुदा का क्या हिसाब लेगा। उसने कहा, आका अगर खुदा ने मेरे गुनाहों का हिसाब लिया, मैं उसकी रहमत का हिसाब लूंगा। जो चीज भारी होगी फैसला उसी की जानिब होगा। आज इतने में अल्लाह ने कहा, जिब्रील जा, पलट जा, मेरे नबी को पैगाम सुना दे, खुदा ने इसको माफ कर दिया। इश्क दे झल्ले ही नंबर ले गए। अकलमंदा एवें उमरां गालियां, वखरी कचहरी इश्क दी, मंजिल है गहरी इश्क दी, औखा सफर है इश्क दा, करबल च गया इश्क दा। बुल्ला नचाया इश्क ने, लुटी जुलैखा इश्क ने, किते जितदा किते हारदा, किते डोबदा किते तारदा, अग्गां च छाला मारदा, मूहोए कुछ ना बोलदा, नासिर दर दर रोलदा। और फिर बाबा बुल्ले शाह साहब भी तड़प उठे, उनका ऐन इश्क दे महकमे मैं वड़िया, अगो इश्क ने मेरी रसाई लुट ली, मैं ते गया सी इश्क कोलों दाद लैन, अगो इश्क ने मेरी दनाई लुट ली, मैं ते गया सी इश्क कोलों दाद लैन, अगो इश्क ने मेरी दनाई लुट ली। इश्क लुटदा वलियां पैगंबरां नूं, कई बादशाहां दी बादशाही लुट ली, अजे बुलिया तेरा की लुटिया, ऐसे इश्क ने खुदा दी खुदाई लुट ली। अकल कुछ और देखती है, इश्क कुछ और देखता है। इतनी समझ में आई है बात। ना निगाह के बराबर, ना अदा के बराबर, ना वफा के बराबर है। अब यहां से अपनी गुफ्तगू को मैं पैगाम के अंदर दाखिल कर रहा हूं। दोस्ताने मोहतरम, हम भी खुदा के बंदे हैं, हमारा भी वो खालिक है, उसी खुदा ने हमें पैदा किया है। हमने खुदा के दीन की खातिर कितनी कुर्बानी दी और क्या कुर्बानी दी, हमने कितनी वफा की है। ये मेरे मुस्तफ़ा हैं कि कयामत के रोज़ नबी खड़े होंगे, जब खुदा फ़ख्र करेगा क्या के प्यारे तू नबियों का सरदार होकर ताइफ की वादियों में जला गया। हमें थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, किस तरह शिकवे जुबान पर आ जाते हैं हमारे, कि खुदा ने सारी परेशानियां हमारे पल्ले में डाल रखी हैं। अरे मेरे आका ने तो नहीं कहा कि मौला तूने तो मुझे अपना हबीब बनाया, फिर मैं ताइफ के अंदर क्यों जा रहा हूँ। आका ने नहीं कहा कि मौला मैं तो नबियों का सरदार हूँ, फिर मैं ताइफ के अंदर क्यों जा रहा हूँ। और ताइफ में गए, कलिमा हक बुलंद किया, सरदारा ने ताइफ ने बच्चे पीछे लगा दिए, वो मेरे आका को पत्थर मारने लगे। वो पत्थर जिसमें मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगे, मेरे आका के जिस्म मुबारक से खून निकला, वो खून का एक कतरा जो ज़मीन व आसमां से ज़्यादा कीमती है। पीछे लगे रहे वो बच्चे, आका के जिस्म से खून निकल रहा है, खून मुबारक निकल रहा है। मेरे आका इस हाल के अंदर कि आपके नालैन खून मुबारक से भर गए, एक जगह पे जाके रुके, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, कहा आका खुदा की ज़ात फरमाती है कि अगर आप चाहें अहले ताइफ को दो पहाड़ों के दरमियान पीस के रख दूं। मेरे आका ने कहा, जिब्रील पलट जा, मैं रहमत बनकर आया।
जिब्रील पलट जाओ, मैं रहमत बनकर आया हूं। सुभान अल्लाह। अब यहां एक फिर एक नुक्ता आ गया है। सुभान अल्लाह। मुझे ये बताएं, खुदा ने जिनको अजाब देना था वो मुसलमान थे? वो कौन थे? वो काफिर और मुशरिक थे। वो कौन थे जी? सुनिए, समझिएगा, समझिएगा बात को। वो कौन थे? खुदा ने काफिर और मुशरिकों को अजाब देना हो तो फरमाता है, प्यारे अगर आप चाहें। अगर आप चाहें। नहीं समझे बात की गहराई को? नहीं समझे? खुदा ने, अल्लाह ताला ने काफिरों को अजाब देना हो तो खुदा की जात फरमाती है, प्यारे अगर आप चाहें। अरे जब काफिरों का मामला हो तो खुदा कहे प्यारे अगर आप चाहें, तो जब उम्मत पेश होगी तो तब नहीं खुदा कहेगा कि प्यारे अगर आप चाहें, बल्कि अगर नहीं कहेगा, खुदा कहेगा प्यारे जो आप चाहें, प्यारे जो आप चाहें। तो दोस्ताने मोहतरम, मेरे आका ताइफ की वादियों में गए खुदा के दीन का पैगाम लेकर। आका ने वफा ऐसी की, कोई वफा ना कर सका। तो आज हम अपने किरदार की तरफ देखें कि हम दीन के लिए क्या कर रहे हैं। क्या हमारी गुलामी फकत नारों तक है? क्या हमने फकत लंगर तक अपनी गुलामी को रखा हुआ है? क्या हमारी जिंदगियों के अंदर सीरत का रंग क्यों नजर नहीं आता? मेरे आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरदार और सीरत ऐसा है कि काफिर देखकर कहते हैं, यार किसी झूठे का तो चेहरा ऐसा नहीं होता, किसी झूठे की तो सीरत ऐसी नहीं होती। एक पागल औरत, पागल औरत, दीवानी औरत थी, उसने आका ताजदार कायनात का हाथ पकड़ा, मजलिस से उठाया, धूप के अंदर लाकर खड़ा कर दिया और अपनी बातें सुनाने लगी जिनका सर पांव कोई नहीं था। सुनिएगा जरा, अपने दिलों की तरफ तवज्जो करें। ये महफिल में आना, ये महफिल सजाना, ये मोहब्बत है और मोहब्बत अमल के बगैर फायदा नहीं देती। मजा तो तब है कि आज ये तादाद खिताब सुनने के लिए बैठी है, कभी फजर के वक्त भी आए ना, यहां मेरी बातें सुनने के लिए आए हैं, फजर में खुदा को सुनाए आकर। हजरत अली फरमाते, फरमाते मैंने खुदा को सुनानी हो तो नमाज पढ़ता हूँ, खुदा की सुननी हो तो कुरान पढ़ता हूँ। तो सीरत का रंग, वो दीवानी औरत ने आका को पकड़ लिया, बातें सुनाने लगी, दीवानी थी, पगली थी, कोई बात कोई उधर से पकड़ लेती, कोई माने वाली बात नहीं थी। सहाबा का वजूद अब बेचैन हो रहे हैं सहाबा कि हमारे नबी का इतना नाजुक बदन है, नाजुक जिस्म है, धूप में लाकर खड़ा कर दिया है और कोई काम की बात ही नहीं है, अपनी सुनाई जा रही है। वो कोई जब काफ़ी देर वो दीवानी औरत ने मेरे आका को बातें बोतें सुना दी और वो चली गई ना, तो सहाबा ने कहा आका या रसूल अल्लाह, वो तो पगली सी दीवानी सी औरत है, इतनी देर आप खड़े होकर धूप में उसकी बातें सुनते रहे, आका या रसूल अल्लाह उसकी तो सुनता कोई नहीं, उसकी तो सुनता कोई नहीं। आका ने कहा जिसकी कोई नहीं सुनता उसी की तो मोहम्मद सुनते हैं।